स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इंडिया स्टडी लर्न में। सरकार सभी जनधन खाताधारियों के खाते में 1500 रुपए भेजे जा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन पा रहे हैं, और आपको ये राशि 3 महीने तक दिए जाएंगे राहत पैकेज के रूप में। क्या है पूरी जानकारी, वीडियो के अंत तक बने रहे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे दिए हुए लाल रंग वाले सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल वाले आइकन के घंटे को बजा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि ऐसे ही योजना से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले जरूर पहुँच सके। तो चलिए आपको फटाफट बताते हैं। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, नवभारत टाइम के अनुसार इस न्यूज में साफ साफ बता दिया है कि 20 करोड़ जनधन खाते में आज से जमा होगा पैसा। अकाउंट नंबर के आधार पर आएगी बारी। जी हां, आपके अकाउंट नंबर के जो लास्ट डिजिट है उनके बेसिस पे पैसा भेजा जा रहा है। यहां पे बताया जा रहा है कि जिन जनधन महिला खाता धारकों की खाता संख्या अंतिम अंक 0 और 1 है, उन्हें उनके खाते में 3 अप्रैल को पैसा आएगा। देख पा रहे हैं, जी हाँ, ये भी जारी कर दिया है कि यानी आपका अकाउंट नंबर अगर 0 1 है या इनके अलावा और भी कुछ है तो आपको इस दिन आएगा। अगर आपके उनके अलावा दूसरा डिजिट है तो आपको इस दिन आएगा। चलिए हम आपको वो भी दिखाते हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यहाँ पे देखिए साफ साफ बताया कि बैंक अकाउंट एंडिंग विथ यानी 0 और 1 है आपके अकाउंट का आखिरी नंबर, तो 3 अप्रैल 2020 को भेजा जाएगा। तो दोस्तों भेज चुका है पैसा, ठीक है, पिछले 3 अप्रैल को आ चुका है बहुत सारे खाताधारकों के खाते में। उनके बाद बताया जा रहा है कि 2 और 3 यानी 2 और 3 है आपके अकाउंट नंबर का लास्ट डिजिट, तो आपको 4 अप्रैल को भेजा जाएगा, जो कि कल ही आया है बहुत सारे खाताधारकों के खाते में। उनके बाद बताया जा रहा है कि 4 और 5 है एंडिंग अकाउंट नंबर डिजिट, ठीक है, 4 और 5 है, तो आपको 7 अप्रैल 2020 को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। उनके बाद बताया जा रहा है कि 6 और 7 यानी 6 और 7 है, तो आपको 8 अप्रैल 2020 को आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे। अगर वही 8 और 9 है आपके अकाउंट नंबर का लास्ट डिजिट, तो आपको 9 अप्रैल तक वेट करना होगा। आपको 9 अप्रैल के जनधन खाताधारकों के सभी खाताधारकों के खाते में जो है आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। तो कुछ इस तरीके से सभी खाताधारकों को पैसा दिया जा रहा है, इस तरीके से जारी किया गया है लास्ट डिजिट वाला ये नंबर। उनके बाद बताया जा रहा है कि इंडियन बैंक्स और सेंस IBA की तरफ से ATM निकासी की अपील की गई, यानी जब आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाए तो आप लोग ATM से आप लोग अपना पैसा जो है वो निकाल लें, बैंक में भीड़ वगैरह ना करें। उनके बाद यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे देखिए सारी बातें दी गई है, मेंशन की गई, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का पैसा शुक्रवार से आना शुरू हो गया था, जो कि कुछ ही दिनों पहले। इसके तहत महिला जनधन खाते में अगले 3 महीने तक 500 रुपये आएंगे। जी हाँ, 1500 रुपये आपको किस्तों में दिए जाएंगे, ठीक है, जो 1500 रुपये है वो आपको 3 किस्तों में दिए जाएंगे। इस महीने 500, फिर अगले महीने 500, फिर अगले महीने 500, यानी 500 करके आपको 3 किस्तों में दिए जाएंगे। IBA ने कहा है कि बैंक अकाउंट के आधार पर 9 अप्रैल तक पैसे जमा किए जाएंगे। खाता धारकों से अपील की गई है कि वे ATM से निकासी करें, ठीक है, चार्ज माफ, यानी किसी भी प्रकार का आपको चार्ज नहीं कटेगा जब आप ATM से निकालेंगे। उनके बाद बताया जा रहा है स्टेप से दी गई है, जो महामारी भयंकर बीमारी जो फैली है, जो वायरस आई है, उन्हीं को लेकर के प्रधानमंत्री ने एक राहत पैकेज जारी किया है। जिनके बीच लॉकडाउन में बहुत सारे जो देश भर के जो है नागरिक वगैरह वो फंसे हुए, तो जनधन खाता वाली महिलाओं के खाते में शुक्रवार से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का आना पैसा जो है वो शुरू हो जाएगा, हो चुका है, ठीक है। खाता धारक अपनी मर्जी और जरूरत के हिसाब से कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन यानी कि IBA की तरफ से अपील की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखा जाए, ठीक है, सोशल डिस्टेंसिंग का रखा गया ध्यान, तो इस तरीके से दिया गया कि यानी आप लोग बैंक में ना जाए। यहाँ पे बताया गया कि भीड़ ज़्यादा नहीं बढ़े इसके लिए खाता नंबर के हिसाब से अलग अलग दिन निर्धारित किया गया। उल्लेखनीय है कि सरकार ने आर्थिक सहायता के लिए इन महिलाओं के खाते में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के तहत अगले 3 महीने तक हर महीने, देख पा रहे, हर महीने 500 रुपए ट्रांसफर करने की घोषणा की थी।
इससे जनधन खाता रखने वाली गरीब 20 करोड़ महिलाओं को लाभ होगा। तो इस तरीके से 20 करोड़ जो खाता धारक है उनको लाभ मिलने वाली है। इस स्टेप से दी गई जो कि हमने आपको पहले ही बता दिया, जिनके अकाउंट नंबर के लास्ट डिजिट में इतने इतने अंक आते हैं तो उनको इस दिन आपको पैसे मिलने वाले हैं। तो इस तरीके से एक छोटी सी थी इन्फॉर्मेशन जो कि बताई, यानी लास्ट जो तिथि है वो 9 अप्रैल तक ही आने वाली है। 9 अप्रैल के बाद नहीं दी जाएगी। फिर आपको अगले महीने जो जारी करेगी उनके लिए अलग लिस्ट बनाया जाएगा कि कब आपके अकाउंट में भेजा जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप लोगों को मिलने वाली है जनधन योजना के अंतर्गत सभी खाता धारकों को पैसे। तो मुझे इस वीडियो में यही एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना था। आई होप वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को आप भी अपने दोस्तों पर व्हाट्सएप ग्रुप में फटाफट फैला दीजिए ताकि उन लोगों को भी मालूम चल सके। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।